चार स्टेट्स का इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया, जिसमें यूपी, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, इन चारों स्टेट्स के सीनियर ऑफिसर्स यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे। हम लोगों ने उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जो इलेक्शन के लिए बहुत आवश्यक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी ये निर्देश है कि इस प्रकार के बॉर्डर मीटिंग्स, कोऑर्डिनेशन मीटिंग की जाए। अभी हाल ही में हम लोगों ने भोपाल में जाकर मध्य प्रदेश में कोऑर्डिनेशन मीटिंग किया था, जिसमें मैं स्वयं गया हुआ था। डीजीपी राजस्थान, डीजीपी मध्य प्रदेश और डीजीपी छत्तीसगढ़ सभी आए थे। लोकल लेवल्स पर भी हम लोगों के काफ़ी कोऑर्डिनेशन हुए हैं छोटे छोटे स्तर पर, जिसमें सहारनपुर का बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से, आगरा का अपने बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। और इन सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में और इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में इस बात की चर्चा की गई कि इलेक्शन किस प्रकार निष्पक्ष और पीसफुल तरीके से की जा सके, और हम मसल पावर को और मनी पावर को किस तरह दबा कर रखें। इस तरह के बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं इलेक्शन के दौरान, जैसे अवैध शराब का चलन होता है, अवैध कैश आते हैं, नशा के लिए बहुत सारे ड्रग्स वगैरह का वो होता है, वेपन्स, जो इलीगल वेपन्स हैं उनकी वो होती है। और सभी स्टेट्स, इन चारों स्टेट्स ने अपने अपने बारे में ये बताया कि हम किस प्रकार इन चारों चीज़ों पर, अवैध असलहे पर, अवैध शराब पर, अवैध नशाखोरी पर और अवैध कैश पर किस प्रकार हम अंकुश लगा रहे हैं। और साथ ही साथ बैरियर्स लगाने का, पिकेट्स लगाने का, प्रॉपर चेकिंग करने का, बहुत से ऐसे भी हैं जो रिवर पुलिस की तरफ से, जैसे पलवल वगैरह का डिस्ट्रिक्ट ऐसा है हरियाणा में जहाँ नदियों के द्वारा आ सकते हैं, यमुना नदी के द्वारा आ सकते हैं, तो उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई कि हम कैसे पेट्रोलिंग करके और सील करके बॉर्डर को, जो उस दिन हमारा, जिस दिन इलेक्शन होगा, आप जानते हैं कि हमारा सातों फेज में इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश का, लेकिन दिल्ली और हरियाणा में 12 मई को इलेक्शन होना है, तो वो उनका उस समय हम दो तीन फेज कर चुके रहेंगे। तो इन सभी बिंदुओं पर हमारी विशेष चर्चा हुई और सभी लोगों ने, सभी राज्यों ने अपने अपने व्यू पॉइंट्स को रखा, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही सार्थक मीटिंग रही। और आने वाली रणनीति भी हम तय कर रहे हैं कि हम कैसे इसको और भी निष्पक्ष और शांतिपूर्वक तरीके से उस चुनाव को करवा सकते हैं।